हमारे साथ ये बहुत होता है ना कि हम खुद पे भरोसा नहीं करते हैं। हम डरे हुए होते हैं कोई नया काम शुरू करने से और 100 बार सोचते हैं करना भी चाहिए या नहीं, आउटपुट क्या आएगा या आउटपुट आएगा भी कि नहीं आएगा। ऐसी ही परेशानी से जूझ रहा था गोविंद सिंह, जिसने जिंदगी भर एक गेटमैन की नौकरी की। आइए सुनते हैं उसकी कहानी एक लिफाफा में। जब एक दर्जन आदमी खुलेआम या इशारे से किसी आदमी को पागल कहना शुरू कर दे तो वो खुद भी अपने पर शक करने लगता है। भूतपूर्व गेटकीपर गोविंद सिंह के साथ भी यही हुआ, और इसके लिए लोगों को दोष देना भी गलत है। ऐसे आदमी के लिए आप भी क्या कहेंगे जो अपने हाथ में एक रजिस्टर्ड लिफाफा लिए आपके पास आए और पूछे, मुझे बताइए इसके भीतर क्या है? इस बात का जवाब यही होगा कि खोलो और देख लो। लेकिन इस बात से वो इतना डर जाता जिसका जवाब नहीं। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये कहकर वह अपने किसी दूसरे परिचित के पास जा खड़ा होता और यही सवाल उससे भी करने लगता। सब उसे यही जवाब देते तो वो कहने लगता कि आप सब पागल हैं। फिर किसी ने उससे कहा कि अगर तुम इसे खोलना भी नहीं चाहते हो और जानना भी चाहते हो कि इसके भीतर क्या है, तो एक्सरे करवाने के लिए किसी अस्पताल ले जाओ। ये सलाह उसे एक पूर्व कंपाउंडर ने दी जो दूसरी सड़क पर रहता था। ये क्या होता है? गोविंद सिंह ने पूछा। जब उसे एक्सरे क्या होता है ये समझाया गया तो वो पूछने लगा, ऐसा अस्पताल कहाँ मिलेगा जिसमें एक्सरे होता हो? लेकिन इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये समस्या पैदा क्यों हुई। लगभग 1914 या 18 के पहले विश्व युद्ध के बाद, जिसमें वो लड़ा था, उसे इंग्लैंडिया दफ्तर में गेटकीपर की नौकरी के लिए सिफारिशी चिट्ठी दी गई। उसे ये काम बहुत अच्छा लगा। उसे एक खाकी ड्रेस पहनने को दी गई जिसके कंधे पर एक चमकदार पट्टी थी और हाथ में रखने के लिए एक छोटी सी छड़ी भी। छड़ी हाथ में पकड़कर वो गेट पर रखे एक स्टूल पर बैठ गया। मैनेजर की गाड़ी जब फाटक से घुसती तब सीधे खड़े होकर वो उसे मिलिट्री सलूट मारता। दफ्तर में कुछ 100 के करीब कर्मचारी थे और जब वे भीतर आते या बाहर जाते तो उन पर नजर रखता। समय समाप्त होने पर जब जनरल मैनेजर सीढ़ियों से खटखट करता नीचे उतरता तो वो सीधा तन कर खड़ा हो जाता और उसके जाने के बाद सभी 100 कर्मचारी एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो जाते। फिर वो दरवाज़ा बंद करता, स्टूल उठाकर भीतर रखता और उसी पर अपनी छड़ी भी तिरछी करके टिका देता। फिर बाहर निकलकर वो मुख्य फाटक का ताला लगाकर उसे भी सील कर देता। इस तरह उसने नौकरी के 25 साल गुजार दिए थे और फिर पेंशन दी जाने की प्रार्थना की थी। वो अभी रिटायर होने की बात ना सोचता, लेकिन अब उसकी नज़रें कमज़ोर हो चली थी और कान भी ऊँचा सुनने लगे थे और मैनेजर जब सीढ़ियों से नीचे उतरते तो उसे सुनाई नहीं पड़ता था कि वो आ रहे हैं। 10 कदम दूरी पर आ रहे व्यक्ति को वो पहचान नहीं पाता था कि कौन आ रहा है। उसे कंपनी अध्यक्ष के सामने पेश किया गया, जिसने कागज़ों से सर उठाकर कहा, गोविंद, तुम्हारे काम से कंपनी बहुत संतुष्ट है, इसलिए उसने तुम्हें आजीवन 12 रुपये महीने की पेंशन देने का फैसला किया है। गोविंद सिंह ने एड़िया जमाकर सिर उठाकर सलूट किया, फिर पीछे घूमकर प्रसन्न मन से कमरे से बाहर निकल आया। ये दूसरी बार था जब अध्यक्ष ने उससे बात की थी। पहली बार तब जब उसे इस कंपनी में नौकरी दी गई थी, तब वो जैसे ही अपनी ड्यूटी पर आकर खड़ा हुआ था, अध्यक्ष ने भी दफ्तर में पैर रखा। नया आदमी देखकर उसने पूछा, कौन हो तुम? और उसने सलूट मारकर फुर्ती से जवाब दिया, सर, मैं नया गेटमैन हूँ। और उसके बाद 25 साल बाद ये दूसरी बार बात हुई थी। दोनों दफा यद्यपि अध्यक्ष ने बहुत कम शब्द बोले थे, उन्हें सुनकर उसमें मानो बिजली दौड़ गई थी। सिंह की नज़रों में वो देवता के समान था
और देवता भी जिंदगी में कभी कभी ही प्रकट होकर दो चार शब्द ही बोलते हैं। कई दफा जब वो चुप बैठा सोचता रहता तो उसके दिमाग में अध्यक्ष की गरिमा और व्यक्तित्व की तस्वीर बनती रहती। पेंशन मिलने के बाद भी उसकी जिंदगी उसी तरह सुख से बीतती रही। पेंशन के रुपए और उसकी बीवी दो घरों में झाड़ू पोछा करके जो कुछ कमाती थी दोनों को मिलाकर उसका खर्चा बहुत अच्छी तरह चल जाता था। खाना खाकर वो घर से निकल जाता और मित्रों से मिलता जुलता फिर एक सिगरेट की दुकान पर, जिसे उसका एक संबंधी चलाता था, जाकर जम जाता। महीने की पहली तारीख को ही इसके उस कार्यक्रम में फेर पड़ता जब वह वर्दी पहनकर अपने दफ्तर जाकर अकाउंटेंट से पेंशन का पैसा लेने जाता। जब कभी पैसा लेने वो शाम को जाता तो सड़क के किनारे खड़े होकर अध्यक्ष के बाहर आने का इंतजार करता और गाड़ी में बैठते समय उसे सल्यूट मारकर घर वापस आता। अब उसका समय बिल्कुल खाली था, चारों तरफ फैला फालतू समय। अपने बारे में उसने एक नया आविष्कार किया। वो मिट्टी और लकड़ी का बुरादा बनाकर खिलौने बनाने लगा। उसे अचानक ही एक दिन इस बात का ज्ञान तब हुआ जब एक बच्चा अपना टूटा खिलौना लेकर आया और उसे ठीक करने को कहने लगा। उसने खिलौना ठीक ही नहीं कर दिया, उसे पहले से अच्छा एक अलग खिलौना बनाकर भी दे दिया। इस बात से उसे खुद भी बड़ी खुशी हुई और इसके बाद वो इसी काम में लग गया। इसके घर के पिछवाड़े काफ़ी अच्छी मुलायम मिट्टी थी और संबंधी की सिगरेट की दुकान के बगल में आरा लगा हुआ था जहां उसे लकड़ी का बुरादा मिल जाता था। रंग वो दुकान से खरीद लेता था, दो चार आने में बहुत से रंग मिल जाते थे। अब उसका समय बड़ी तेजी से बीतने लगा। घर के सामने की जगह में उसका काम शुरू हो गया और देखते ही देखते रंग बिरंगे तरह तरह के खिलौनों की नुमाइश ही खड़ी हो गई। ये एक पूरी दुनिया थी, पशु पक्षी आदमी मकान, पूरे पूरे गांव और बाजार। फाटक पर खड़ा वो जो भी देखता रहता था, भिखारन मदारी अफसर खोमचे वाले सब्जी बेचने वाले, सब कुछ उसने बनाकर पटरी पर सजा दिए। मिट्टी और बुरादे से ये सब बनाकर वो इन्हें लकड़ी के पतले टुकड़ों में जड़कर सामने सजा देता। फिर इन्हें उसने सिगरेट की दुकान पर रखना शुरू कर दिया जहां इनकी बिक्री भी होने लगी, पैसा भी आने लगा। लेकिन पैसे से ज़्यादा खुशी इसे इन्हें बनाकर मिलती थी। दूसरी दफ़ा जब वो पेंशन लेने गया तब अपने साथ अपना सबसे अच्छा खिलौना सड़क का दृश्य लेकर गया। उसे अकाउंटेंट को देकर बोला, इसे साहब को दे देना। इसके बाद फिर जब वो पेंशन लेने गया तो एक और खिलौना, खेलते हुए बच्चे, साथ ले गया और उसे भी अकाउंटेंट को दे आया। पूछा, साहब को मेरा खिलौना कैसा लगा? अच्छा लगा, ये खिलौना भी उन्हें दे देना। इसके बाद हमेशा वो अपने साथ एक खिलौना साहब को देने के लिए ले जाता और अकाउंटेंट से पूछता, साहब को खिलौना कैसा लगा? हर बार उसे यही जवाब मिलता, बहुत अच्छा लगा उन्हें, उन्होंने कहा बहुत अच्छा बनाया है। इसके बाद उसने एक बहुत बड़ा खिलौना बनाया। इसमें उसने दफ्तर का फाटक बनाया, गेट पर वो वर्दी पहने खड़ा है, साहब गाड़ी से उतर रहे हैं और सारा नज़ारा बड़ी कुशलता से अंकित कर दिया। ये सबको बहुत शानदार लगा और उसे खुद अपने पुराने दिनों की याद आ गई। इसे भी साहब को देने के लिए वो अकाउंटेंट को दे आया। इसे देखने सारे दफ्तर के लोग जमा हो गए और वाह वाह कहने लगे। एक बोला, तुम खुद भी इसमें बड़ी शान से खड़े हो। इतनी तारीफ सुनकर उसे कुछ डर भी लगा और वो बोला, साहब इसे देखकर खफा तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, खफा क्यों होने लगे, अकाउंटेंट ने कहा और पेंशन के पैसे उसे पकड़ा दिए। एक हफ्ते बाद जब वो घर के बाहर पत्थर पर बैठा मिट्टी मल रहा था, डाकिया आया और कहने लगा, तुम्हारी रजिस्ट्री आई है। उसे ताज्जुब हुआ, बोला, मेरे लिए रजिस्ट्री? उसे तो साधारण चिट्ठी लेते हुए भी डर लगता था। अब तक सारी जिंदगी में उसके लिए तीन ही चिट्ठियां आई थी और जब तक वो इन्हें पढ़वा कर सुन नहीं लेता था कि क्या लिखा है,
तब तक वो कांपता ही रहता था, और अब अचानक ये रजिस्टर्ड चिट्ठी आ पहुंची थी। उसके लिए पहली रजिस्टर्ड चिट्ठी थी। रजिस्ट्री से तो वकील ही चिट्ठियां भेजते हैं, है ना? वो परेशानी से कहने लगा। हाँ, होता तो यही है, पोस्टमैन ने जवाब दिया। तुम इसे वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, वो पोस्टमैन से कहने लगा। तो मैं इस पर लिख दूं कि तुमने वापस की है, उसने पूछा। नहीं, इसे ले जाओ, कह देना कि मैं मिला ही नहीं, गोविंद सिंह ने उत्तर में कहा। ये नहीं हो सकता, पोस्टमैन ने गंभीर होकर कहा। अब सिंह को दस्तखत करने और चिट्ठी ले लेने के अलावा कोई उपाय नहीं सूझा। चिट्ठी लेकर वो जमीन पर बैठ गया और उसी को घूरने लगा। आप सुन रहे हैं मालगुड़ी डेज की कहानियां एक लिफाफा में, और आज की कहानी है गेटमैन का इनाम। ये था पहला हिस्सा। अगला हिस्सा सुनने के लिए सामने दिख रहे वीडियो पे क्लिक कीजिए। सुनते हैं आगे क्या हुआ।